पर्व या छठ पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को मनाए जाने वाला लोक पर्व है। इसे सूर्य षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। दिवाली के 6 दिन बाद छठ मनाया जाता है। यह पर्व मुख्य रूप से उत्तर भारत के राज्य बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। छठ पूजा में सूर्य देव और छठी मैया की पूजा व उन्हें अर्घ्य देने का विधान है। आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें। हम आपको छठ पूजा से जुड़ी तमाम जानकारियां देने जा रहे हैं। अगर आप ये व्रत पहली बार कर रहे हैं या फिर आपने इस व्रत के बारे में पहले नहीं सुना है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। छठ पूजा में सूर्य देव की पूजा की जाती है और उन्हें अर्घ्य दिया जाता है। सूर्य प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देने वाले देवता हैं जो पृथ्वी पर सभी प्राणियों के जीवन का आधार है। सूर्य देव के साथ साथ छठ पर छठी मैया की पूजा का भी विधान है। पौराणिक मान्यता के अनुसार छठी मैया या षष्ठी माता संतानों की रक्षा करती हैं और उन्हें दीर्घायु प्रदान करती हैं। शास्त्रों में षष्ठी देवी को ब्रह्मा जी की मानस पुत्री भी कहा गया है। पुराणों में इन्हें माँ कात्यायनी भी कहा गया है, जिनकी पूजा नवरात्रि में षष्ठी तिथि पर होती है। षष्ठी देवी को ही बिहार झारखंड में स्थानीय भाषा में छठ मैया कहा गया है। छठ पूजा उत्सव। छठ पूजा 4 दिनों तक चलने वाला लोक पर्व है। यह 4 दिवसीय उत्सव है जिसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी से होती है और कार्तिक शुक्ल सप्तमी को इस पर्व का समापन होता है। पहला दिन नहाए खाए। छठ पूजा का पहला दिन नहाए खाए होता है। नहाए खाए से मतलब है कि इस दिन स्नान के बाद घर की साफ सफाई की जाती है और मन को तामसिक प्रवृत्ति से बचाने के लिए शाकाहारी भोजन किया जाता है। दूसरा दिन खरना। खरना छठ पूजा का दूसरा दिन है। खरना का मतलब पूरे दिन के उपवास से है। इस दिन व्रत रखने वाला व्यक्ति जल की एक बूंद तक ग्रहण नहीं करता है। संध्या के समय गुड़ की खीर, घी लगी हुई रोटी और फलों का सेवन किया जाता है। साथ ही घर के बाकी सदस्यों को इसे प्रसाद के तौर पर भी दिया जाता है। तीसरा दिन संध्या अर्घ। छठ पर्व के तीसरे दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को संध्या के समय सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है। शाम को बांस की टोकरी में फलों, ठेकवा, चावल के लड्डू आदि से अर्घ का सूप सजाया जाता है, जिसके बाद व्रती अपने परिवार के साथ सूर्य को अर्घ देते हैं। अर्घ के समय सूर्य देव को जल और दूध चढ़ाया जाता है और प्रसाद भरे सूप से छठी मैया की पूजा की जाती है। सूर्य देव की उपासना के बाद रात्रि में छठी मैया के गीत गाए जाते हैं और व्रत कथा सुनी जाती है। चौथा दिन उषा अर्घ। छठ पर्व के अंतिम दिन सुबह के समय सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है। इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले नदी के घाट पर पहुंचकर उगते सूर्य को अर्घ देते हैं। इसके बाद छठ माता से संतान की रक्षा और पूरे परिवार की सुख शांति का वर मांगा जाता है। पूजा के बाद व्रती कच्चे दूध का शरबत पीकर और थोड़ा प्रसाद खाकर व्रत को पूरा करती है, जिसे पारण या परना कहा जाता है। छठ पूजा एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है, जिसे लोग बिना किसी गलती या बिना किसी भूल के करते हैं। पूजा से पहले लोग सामग्री जुटा लेते हैं, फिर सूर्य देव को विधि विधान से अर्घ देते हैं। आइए जानते हैं छठ पूजा की सामग्री। बांस की टोकरी, बांस या पीतल के बने सूप, थाली, दूध और ग्लास। ध्यान रहे, आप अपनी इच्छा के अनुसार सूप की संख्या बढ़ा या घटा सकते हैं। इसके अलावा चावल, लाल सिंदूर, दीपक, नारियल, हल्दी, गन्ना, सुथनी, सब्जी, शकरकंदी, नाशपाती, बड़ा नींबू, शहद, पान, साबुत सुपारी, कपूर, चंदन, मिठाई और प्रसाद के रूप में ठिकवा, मालपुआ, खीर पूरी, सूजी का हलवा और चावल के बने लड्डू छठ पूजा में चढ़ाए जाते हैं। अर्घ देने की विधि। बांस की टोकरी में पूजा की सभी सामग्री को रखें। सूर्य को अर्घ देते समय सारा प्रसाद सूप में रखें और सूप पे ही दीपक जलाएं। फिर नदी में उतरकर सूर्य देव को अर्घ दें। छठ पूजा का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। छठ पूजा धार्मिक और सांस्कृतिक आस्था का लोक पर्व है। यही एकमात्र पर्व है जिसमें सूर्य देव का पूजन कर उन्हें अर्घ दिया जाता है। हिंदू धर्म में सूर्य की उपासना का विशेष महत्व है।
वे ही एक ऐसे देवता हैं जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से देखा जाता है। वेदों में सूर्य देव को जगत की आत्मा कहा जाता है। सूर्य के प्रकाश में कई रोगों को नष्ट करने की क्षमता पाई जाती है। सूर्य के शुभ प्रभाव से व्यक्ति को आरोग्य, तेज और आत्मविश्वास की प्राप्ति होती है। वैदिक ज्योतिष में सूर्य को आत्मा, पिता, पूर्वज, मान सम्मान और उच्च सरकारी सेवा का कारक कहा गया है। छठ पूजा पर सूर्य देव और छठी माता के पूजन से व्यक्ति को संतान, सुख और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। सांस्कृतिक रूप से छठ पर्व की सबसे बड़ी विशेषता है इस पर्व की सादगी, पवित्रता और प्रकृति के प्रति प्रेम। खगोलिक और ज्योतिषीय दृष्टि से छठ पर्व का महत्व। वैज्ञानिक और ज्योतिषीय दृष्टि से भी छठ पर्व का बड़ा महत्व है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि एक विशेष खगोलीय अवसर है, जिस समय सूर्य धरती के दक्षिण गोलार्ध में स्थित रहता है। इस दौरान सूर्य की पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर सामान्य से अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाती है। इन हानिकारक किरणों का सीधा असर लोगों की आंख, पेट और त्वचा पर पड़ता है। छठ पर्व पर सूर्य देव की उपासना व अर्घ्य देने से पराबैंगनी किरणें मनुष्य को हानि ना पहुंचाए, इस वजह से सूर्य की पूजा का महत्व बढ़ जाता है। हमें उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई वे तमाम जानकारियाँ आपको बेहद रोचक लगी होंगी और आपके बेहद काम आएंगी। हमारे चैनल लाइव सिटीज एस्ट्रो को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अध्यात्म की दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए लाइव सिटीज एस्ट्रो को जरूर सब्सक्राइब कर लें और हमारे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।